अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आमना उस्मान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गज़ा बाजार के अंदर, जो के डिफेंस में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ एक मोहब्बत के लिए, इजहार यकजहती के लिए जो है वो लगाया गया है। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, आज उनकी जितनी भी कमाई है, ये तमाम की तमाम वो फ़लस्तीन में जो हमारे भाई बहन इसराइल की बर्बरियत का शिकार हैं, उन तक पहुँचाया जाएगा। पहले भी आपने देखा कि खदमत की जानिब से जो है वो कराची के अंदर गज़ा बाजार लगाया गया और तमाम स्टॉल्स की कमाई उन तक पहुँचाई गई। वहाँ पर जॉग दर जॉग जो है वो ट्रक लगे हुए हैं गज़ा में और वो उन तक इमदाद पहुँचा रहे हैं। आज की भी तमाम खाने पीने की कमाई और तमाम स्टॉल्स की कमाई, जो शॉपिंग वगैरह होगी, ये सारी की सारी वहीं पर पहुँचाई जाएगी। आइए हम स्टॉल्स पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये जो एक ज़बरदस्त किस्म का एक बाज़ार इन्होंने आज लगाया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फरोख्त हो रही हैं, किस तरीके से जो है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और किस तरह से हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ जो है वो इजहारे यकजहती कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो आपने देखा होगा कि कराची के अंदर पहले भी उनकी जानिब से जो है वो एक गज़ा बाजार जो है वो लगाया गया था और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ पर चीज़ें खरीदती रही और वो तमाम जो चीज़ें सेल हुई उनके पैसे जो है वो फ़लस्तीनी वालों को भेजे गए। यहाँ पर भी इसी तरह का बाजार लगाया गया है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर ये हजामा के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो मौजूद है इस स्टॉल के अंदर, जबकि नेक्स्ट अगर मैं स्टॉल की तरफ जाऊँ तो ये फिल्म स्टॉल के कॉर्नर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट में जाऊँ तो ये बुक्स का है स्टॉल और जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे चीज़ें खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो मेहंदी के डिज़ाइन भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अचार के जार भी मौजूद हैं और अचार का भी जो है वो स्टॉल लगाया गया है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे चीज़ें खरीद रही है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि ये तमाम के तमाम जो पैसे हैं ये गज़ा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए जो हैं वो तफवीज़ कर दिए जाएँ और इनकी सारी आज की जितनी भी कमाई है ये सारी की सारी आज फ़लस्तीन के लिए दी जाएगी। तो बहुत खूबसूरत मुझे ना एक चीज़ नज़र आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि ये टेबल्स हैं और इसके साथ साथ जो है वो वॉल हैंगिंग्स भी हैं बहुत खूबसूरत किस्म की और ये जो है सेल के लिए की जा रही है। इसकी क्या प्राइस है? एक्सक्यूज़ मी, इसकी प्राइस जी, ये 400 ईच में ये कोस्टर है और इसको भी जो है यहाँ पे सेल पे लगाया गया, जबकि यहाँ पे आपको ये टेबल्स बहुत खूबसूरत पेंटिंग वाले नज़र आ रहे होंगे। क्या हुआ है, ये हैंड पेंट हुआ है इसके ऊपर? हैंड पेंट की ये सारी चीज़ें हैं और अगर आप जो है वो विज़िट करना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, जबकि यहाँ पे आपको शॉल्स वगैरह के शॉल्स भी नज़र आ रहे होंगे। इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे डिफरेंट जैसे कटलरीज है, कटलरीज है इस वक्त और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ट्रेस भी हैं। इसके अलावा ये कि डिफरेंट हर्बल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, खवातीन की, बच्चों की, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पे गज़ा बाज़ार का विज़िट कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं और इसमें जो है वो ऊनी कपड़े भी हैं बच्चों के, खवातीन के अबाया भी हैं, हर तरह की वो चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की होती हैं वो यहाँ पे सेल की जा रही हैं और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आज की जितनी भी कमाई है तमाम खाने पीने की चीज़ों की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कि सेल हो रही हैं ये तमाम के तमाम फ़लस्तीन में भेज दी जाए। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो लोग कितनी तकलीफ़ में हैं, कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है और ट्रक जो है वो लातदाद वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो इस वक्त अलखदमत के वॉलंटियर्स और जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। वो बाबर के जमीन जो बहुत ज़्यादा अंबिया का मस्कर है, बास्केट्स हैं ये और ये बड़ी खूबसूरत जो है वो डेकोरेशन के लिए चीज़ें जिनके अंदर आप रखकर जो है वो आप लोगों को जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं और इनके बड़ा अच्छा इनका डेकोर किया गया है। इन्होंने पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आके पेंटिंग कर रहे हैं, इसके बाद इनको जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे, डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और बड़ा अच्छा जो है इनके लिए पोर्शन बनाया गया हुआ है कि ये एडवेंचर क्लब है और बच्चों को जो वेलकम किया गया है यहाँ पर जो है वो पेंटिंग्स जो है वो की जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं बच्चे। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही वो जो हमारे कह सकते हैं ना मुल्क के मेमार जो हैं वो चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पर जो है। यहाँ पे लेदर की जो है वो बड़े अच्छे टिशू बॉक्सेस जो हैं वो भी मिल रहे हैं और इसके अलावा जो है ये पोस्टर्स भी हैं, जैसे आप मैट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये लेदर के टेबल हैं और बड़ी खूबसूरत ट्रॉलीज़ हैं और साथ ही साथ जो है वो ये लेदर की आपको ट्रेस भी हैं जो नज़र आ रही हैं, बहुत खूबसूरत।
ओके जी, डिज़ाइनर बायर्स जो है वो भी रखी हुई है बहुत ज़बरदस्त, और ये स्टाफ भी है आपको नज़र आ रहे होंगे, सूरत बायर्स हैं। जबकि इसके अलावा जो है वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के और भी स्टॉल्स हैं, जैसे कि अभी मैं एक स्टॉल के ऊपर आई हूँ और ये है पिनाटा स्टूडियो पीके। और ये क्या सेल कर रहे हैं अभी आप? जी पिनाटा सेल। अच्छा, ये क्या, किस तरह से? इनके अंदर गुडीज होती, गुडी बैग्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या बर्थडे इसके लिए होते हैं? ठीक है, ओके। ये किस तरह सेल कर रही हैं? 1000 का। और इसमें से क्या निकलेगा? इनके अंदर कैंडीज हैं और गुडीज हैं। अच्छा, इनके अंदर कैंडीज हैं और गुडी बैग्स हैं। कहाँ पे है आपका आउटलेट? आउटलेट नहीं है, ये कस्टम मेड है। अच्छा, ये घर में ही जो है वो ये सेल करती हैं और बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। ऑर्डर पर ये तैयार करते हैं। फिर ये माया का स्टॉल आ गया, और ये देखिए कितने मज़े की चीज़ें हैं कि गरम गरम जो है वो हाथ की बनी हुई जो है वो बुनियाने भी हैं, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे कंबल भी हैं करोशे के बने हुए। और जी क्या आ गया जी, फिरनी, और इसके अलावा गाजर का हलवा, और ये भी बर्गर्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के जो है स्टॉल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो हैं उनके भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये बच्ची जो है ये पता नहीं क्या है, ये क्या चीज़ है जो आप कर रहे थे? मार्बल्स हैं ये जी, निकाल रही हैं पानी के अंदर से, और इसके बाद जो है उनमें गिफ्ट मिलेंगे, डिफरेंट तरह के टोकन्स हैं जो बच्चियां जो है वो यूज़ करेंगी, जिसके बाद जो है वो इससे भी कमाई होगी। और ये भी फ़लस्तीन के तमाम लोगों के लिए जो है ये जाएगी। आप देख सकते हैं डक है, और ये जो नाव, ये भी इसके अलावा ये जो है ये कप वाली गेम है, और एज इसके लिए जो है वो उन्होंने 7 to 8 रखी हुई है, जबकि 50 rupees इसका टोकन है। और इसी तरीके से जो ये बलून्स हैं इनको भी जो है वो मेरे ख्याल में गन से जो है वो शूट किया जाएगा। और ये डिफरेंट बच्चे जो हैं मुख्तलिफ गेमें जो हैं वो खेल रहे हैं, और स्पिन द व्हील भी है। और ये तो मज़े की वीडियो है ना, ये तो ये अब खुलाने वाली है। अच्छा, खैर यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ पे भी ये एग्स के साथ, ये क्या गेम है, क्या होगा? एम? अच्छा, एम टी है, वो ढूंढना है कि कौन सा वाला अंडा जो है वो एम टी है। अच्छा, और ये क्या गेम है? इसमें बड़े पैसे तुमने कमाए हुए हैं, तो पैसे हमें इसके बॉक्स में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये कि इसमें क्या करना है हमने? शार्प एंड पेंसिल फाइन करनी है। अच्छा जी, जबरदस्त, ये फाइन था शार्प एंड पेंसिल 100 rupees में। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे जो है लोगों को इनक्रेज किया जा रहा है कि आप जो हैं वो यहाँ पे चीज़ें जो हैं ख़रीदें, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है आप उनको ख़रीदें, और आप इसराइली प्रोडक्ट का, बाहर की प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें या उनको कम कर दें अपनी ग्रॉसरीज में। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, वो भी मैं आपको लेकर चलती हूँ, कि उन्होंने भी यहाँ पर जो है स्टॉल्स लगाए हुए हैं कि उनकी चीज़ों को जो है वो इनक्रेज किया। यहाँ पर जो है वो अवार्ड्स भी जो है मुख्तलिफ लोगों के लिए रखे हुए हैं, और ये अवार्ड्स जो है उनका मकसद सिर्फ यही है कि हमारे पास यूएन में वीटो पावर का राइट भी है, वीटो कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को। तो सुपर पावर तो हम ही है, पहले तो वही होगा एट द एंड जो हमारी बात जो कही जाएगी उस बात को ग्लोबली मारा जाएगा। और ये बात बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, खवातीन की एक तादाद है, सुबह से ये सब कुछ चल रहा है, और इस सब में जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि बेक्स का स्टॉल है, 1 degree का स्टॉल है, सूफी का स्टॉल है, और यहाँ पे अर्बन सोल का स्टॉल है, जलाल सन्स का है, डिफरेंट जो है वो ब्रांड्स के स्टॉल है, जो कि ये आपको इनक्रेज कर रहे हैं कि अब हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, और हम जो हैं वो बाहर की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट करें। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे कि ये आपको कप नज़र आ रहे होंगे, फ़लस्तीन का झंडा है, जबकि इसके अलावा आपको फ़लस्तीन की जो है टी शर्ट्स नज़र आ रही हैं, ये भी यहाँ पे सेल हो रही हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये रुमाल, जो एक फ़लस्तीनियों का बड़ा फेमस रुमाल है, ये भी यहाँ पे जो है वो सेल हो रहा है, और ये आजकल जो बच्चों में बड़ा ट्रेंड इसका चल रहा है, और लोग इसको पहन भी रहे हैं और इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद जो है वो यही है कि इजहार यकजहती किया जाए फ़लस्तीन के साथ, और उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। मैंने भी जो है वो फ़लस्तीन का एक रुमाल जो है वो परचेज़ किया है, और ये आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो है वो फ़लस्तीन से रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं और लिखा भी हुआ है। और जबकि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं खाने पीने के भी, और इन सब की भी जो कमाई है ये फ़लस्तीन के लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। खाने की आपको नज़र आ रही है फूड फ्लोर के नाम से डिफरेंट इस तरह का एक बाज़ार सा सजाया है, गज़ा बाज़ार है, कराची में पहले बहुत कामयाब हुआ,
और अब ये पंजाब में जो है आ गया है। इसके अलावा गजा रिलीफ एम्बुलेंस भी है, आपको दिखाया गया है कि इसके अंदर गजा रिलीफ एम्बुलेंस है और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं। ऑक्सीजन के यहाँ सिलेंडर्स भी मौजूद हैं, जबकि साथ ही साथ यहाँ पे मास्क आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मॉनिटर्स हैं और ये स्ट्रेचर्स मौजूद हैं, और उसके अलावा ये कि यहाँ पर सारी दवाइयाँ वगैरह मौजूद हैं। इस तरह की एम्बुलेंसेज जो हैं वो अलखदमत फाउंडेशन की जानिब से इस वक्त गज़ा में फ़लस्तीन में जो है वो काम भी कर रही हैं, और इनकी जो आपको ये नज़र आ रहा होगा अलखदमत का मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है ये भी काम कर रहा है, और ये भी इस तरीके से जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ये क्या चीज़ है? बाजार का हमने विजिट कर लिया है, आपने भी देख लिया है, मुझे यकीन है कि आप भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये शाम तक लगा हुआ है, और इसके अलावा ये कि आज से आप लोग जो हैं वो तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, इसराइल की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे, ऐसी चीज़ों को करेंगे जो हमारी नहीं है। हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार कर सकें। अगले ब्लॉग तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।